केंद्र सरकार द्वारा खुदरा व्यापारियों को राहत देने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए यह प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास जैसे लुभावने स्लोगन अब नहीं दिए जा सकेंगे। आम चुनाव से पहले खुदरा व्यापारियों को रिझाने के लिए सरकार ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कस रही है। इसी के आधार पर सरकार ने ऑनलाइन मार्केट प्लेस मुहैया कराने वाली कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या इस तरह की सभी कंपनियों को किसी भी प्रकार की एक्सक्लूसिव बिक्री संबंधी करार करने से रोक दिया है। इसके साथ ही अब ई कॉमर्स कंपनियों के लिए उन कंपनियों के उत्पाद बेचने के रास्ते बंद हो गए जिनमें उनकी हिस्सेदारी है। ये सभी पाबंदियां अगले वर्ष 1 फरवरी से लागू होगी। उल्लेखनीय है कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए संशोधित FDI नीति में वेंडरों से भेदभाव की गुंजाइश भी खत्म कर दी गई है। संशोधित नीति में कहा गया है कि जिन रिटेल कंपनियों में किसी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की हिस्सेदारी है या जिन वेंडरों पर उनका नियंत्रण है, उन्हें सभी वेंडरों से गैर भेदभावपूर्ण सेवा देना होगी। मार्केट प्लेस की ग्रुप कंपनियां खरीदारों को जो कैशबैक देती है वे उचित और भेदभाव रहित होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इन कंपनियों को RBI को रिपोर्ट के साथ ही प्रमाण पत्र दाखिल कर पुष्टि करना होगी कि उन्होंने सही दिशा निर्देशों पर पालन किया है। इसमें एक और मामला यह सामने आया है कि मंत्रालय ने डिस्काउंट पर भी सवाल उठाते हुए यह कहा है कि जब घरेलू व्यापारियों ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा ग्राहकों को दिए जा रहे भारी डिस्काउंट पर सवाल उठाते हुए ऐतराज़ उठाया है। मौजूदा नीति के अनुसार ई कॉमर्स गतिविधियों में 100% FDI की इजाज़त है, जबकि इन्वेंट्री आधारित ऑनलाइन कारोबार में FDI पर रोक है।